हेलो गाइस, मैं हूं आपका F&B ट्रेनर हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों, अगर आप एक वेटर हो तो सर्विस के दरमियान कौन कौन से हैबिट्स आपको करने हैं और कौन कौन से बैड हैबिट्स आपको छोड़ने हैं, इसके बारे में आपको आज मैं डिटेल बताऊंगा। कस्टमर को सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर के सामने खड़े रहकर कभी भी दांत मत दिखाओ, हंसो मत। कई बार कस्टमर अपने में ले लेता है हर चीज कि मेरे पे हंस रहा है, ये आपकी गलत आदत है दोस्तों। अगर किसी कारण से आपको हंसी भी आई तो आप बैक एरिया में जाएं और वहां खुल के हंसे, कैमरे के सामने नहीं और कस्टमर के सामने तो बिल्कुल नहीं हंस सकते। अगर आप कोई टेबल को अटेंड कर रहे हो तो वहां पे कुछ कमी है या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ उनको चाहिए, इस पर ध्यान रखना आपका सबसे जरूरी और पहला काम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको घूरते रहो, उसके खाने पे देख रहे हो, उसके निवाले पे देख रहे हो, उसके मुंह में देख रहे हो, उसके प्लेट्स में देख रहे हो। कहने का मतलब उसको बरोबर घूरते जा रहे हो, घूरते जा रहे हो, ये आपकी बैड हैबिट है दोस्तों। अगर आपको उस टेबल पर नजर रखना है तो सेट टेबल पर जाए, किसी बहाने से कहीं पे नैपकिन सेट कर दिए, कहीं पे थोड़ा कपड़ा मार दिए, इस तरह से घूमते फिरते किसी बहाने उसके पास जाए और देखें कि टेबल में क्या कमी है या उनकी क्या जरूरत है, ना कि आप उसको डायरेक्ट घूरते रहो टेबल पे। ये आपकी बैड हैबिट्स है, ऐसा आपको नहीं घूरना चाहिए टेबल। अगर आप कस्टमर के सामने खड़े हो तो आपको उंगली नहीं करना चाहिए, उंगली मतलब खुजाना नहीं चाहिए कि आपका कान खुजा रहा है, नाक खुजा रहा है, बाल खुजा रहा है या फिर इधर उधर कहीं भी खुजा रहा है, तो आपको खुजली नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप उसी हाथ से कस्टमर को सर्विस दे रहे हो तो उन्हें देखते हुए ये खराब लगेगा कि आप जिस हाथ से खुजली कर रहे हो उसी हाथ से उन्हें खाना भी सर्व कर रहे हो। तो आपको ये बैड हैबिट छोड़नी चाहिए, या खुजली करना ही है तो बैक एरिया में जाइए और जी भर के खुजाइए। कई बार ऐसा होता है भीड़ भाड़ के टाइम कि आप टेबल को क्लियरेंस कर दिए और बिना हाथ धोए फिर दूसरे टेबल पे सर्विस करने चले गए। चाहे कितना भी भीड़ भाड़ हो, अगर आप टेबल क्लियरेंस किए हो तो आपको हाथ धोने के बाद ही दूसरे टेबल पर सर्विस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर यह चीज देखता है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और गंदे हाथों से किसी को खाना खिलाना भी वाकई में गलत बात है। तो ये बैड हैबिट आपको छोड़ना चाहिए। कस्टमर के सामने आप कुछ भी खाते मत रहो, कुछ भी चबाते मत रहो, भले ही सौंफ मिश्री ही क्यों ना हो। मान के चलो कस्टमर आपको बुला दिया, उससे बात करना है आपको, तो मुंह में चबाए चबाए कैसे बात करोगे सामने वाले को, ये आपकी आदत खराब लगता है। इसीलिए सर्विस के टाइम हॉस्पिटलिटी के किसी भी स्टाफ को कुछ भी खाना या मुंह में चबाना बिल्कुल अलाउ नहीं रहता है। हॉस्पिटलिटी के अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, इसको पालन करना पड़ता है। जैसे कि आप कस्टमर के सामने खड़े भी हो, हाथ या पैर को क्रॉस पोजीशन में रख के नहीं खड़े हो सकते, ये पोजीशन में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। इसके अलावा अगर आप कस्टमर के सामने खड़े हो, जेब में हाथ डालकर नहीं खड़े होना है। आपके बात करने का जो टोन है हाई है या फिर नॉर्मल से कम है, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल दोस्तों। आपका जो वॉइस टोन है एक लिमिट में बना के रखना पड़ेगा। लिमिट मतलब आप इतना ही बात करो कि सामने वाले को ही सुनाई दे, ना कि पूरा हल्ला हो जाए कि कौन इतने जोर से चिल्ला रहा है। इस टाइप का सामने वाले को या अगल बगल वालों को नहीं लगना चाहिए। आपका वॉइस टोन एक लिमिट में होना चाहिए। जब सामने वाले से आप बात करो तो सामने वाले को भी अच्छा लगे। ये तो हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं करना है। अगर ये बैड हैबिट्स आप छोड़ दिए, कस्टमर के सामने आपका इम्प्रेशन अलग ही होगा।